सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज आपके साथ हम अपडेट शेयर जो करने आए हैं वो है शेंगन वीज़ा से रिलेटेड। शेंगन वीज़ा में आप इंतज़ार कर रहे हैं कि किस कंट्री में अप्लाई करें और आपके क्वेश्चन है किस कंट्री में हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किस कंट्री में वीज़ा सक्सेस रेट बढ़िया रहेगी, तो अभी जो न्यूज़ आ रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सी वीज़ा कॉन्सुलेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ वीज़ा सक्सेस रेट आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करें कि ग्रीस की गवर्नमेंट ने वीज़ा कॉन्सुलेट को ये अपडेट किया है कि आप जल्दी से जल्दी वीज़ा इशू करना स्टार्ट करें, जो प्रोसेस टाइम है उससे कम किया जाए, क्योंकि शेंगन में अभी ग्रीस में जो वीज़ा प्रोसेस टाइम था वो काफ़ी लंबा हो चुका था, 20 डेज से लेकर 30 डेज लग रहे थे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये उनको इंस्ट्रक्शन है कि इसको फास्ट किया जाए, उनको अभी जो टूरिस्ट है वो इंडिया से काफ़ी चाहिए, ये क्लियरली उन्होंने बोला है। और इस न्यूज़ का हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि अभी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे ग्रीस से। अपॉइंटमेंट भी ओपन है जुलाई के, आपको फर्स्ट और सेकेंड वीक में बड़े आराम से अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया टाइम है आज की डेट में ग्रीस में वीज़ा अप्लाई करने का। और यदि आप प्लान कर रहे हैं शेंगन में ट्रैवल करने का तो अभी आप ग्रीस को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीस की जो इकॉनमी है वो काफ़ी डिपेंड करती है टूरिज्म पे। तो एक बहुत इसमें एक अच्छा मौका है कि यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो ग्रीस को ऑप्ट कर सकते हैं, ग्रीस में अप्लाई कर सकते हैं। और आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो शेंगन में अभी स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छे वीज़ाज आ रहे हैं, स्पेन में भी वीज़ाज आ रहे हैं। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं या हमें फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू देख रहे होंगे कि हमारे जो वीज़ाज हैं वो कंटिन्यूली आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से, यूके से हम कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं। और आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है शेंगन से तो रिसेंट में हमने काफ़ी ऐसे वीज़ाज लिए हैं जो पहले ऑलरेडी शेंगन से रिफ्यूज़ थे। तो यदि आप भी यदि आपकी प्रोफाइल भी पहले रिजेक्ट है तो आप भी रीअप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रीअप्लाई करने पर वीज़ाज आते हैं और कॉन्सुलेट हमेशा वीज़ा देती है। बट आपको प्रोफाइल सही तरीके से रिप्रेजेंट करनी होगी, जो कमियां पहले रही होंगी उनको दूर करके आपको अप्लाई करना होगा, वीज़ा उसमें आपके निकलने के चांस अच्छे रहते हैं। तो आज की डेट में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो सबसे बेस्ट टाइम है ये कि ग्रीस में अप्लाई करें या स्विट्जरलैंड में अप्लाई करें, दोनों में अपॉइंटमेंट अवेलेबल हैं, बट अवेलेबल जो है वो जुलाई की है। बट पेशेंट रखें, जल्दबाजी में अप्लाई करने ना जाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और कॉन्सुलेट में आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। बट वीज़ा सक्सेस रेट पे डिपेंड करता है कि कौन सी कॉन्सुलेट, कौन सी कंट्री वेलकम कर रही है टूरिस्ट को, क्योंकि जो कंट्री टूरिस्ट को वेलकम कर रही होगी उसमें वीज़ा के चांस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो आप हमेशा न्यूज़ से अपडेटेड रहें। यदि न्यूज़ से अपडेट रहते हैं और उन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं जहाँ पे वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको भी वीज़ा मिल सकता है, बट वीज़ा आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा। अपनी प्रोफाइल पे फोकस करें कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो देन आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी मानी जाती है, इनकम के प्रूफ है, यदि आप जॉब करते हैं तो सैलरी अकाउंट में आ रही हो, बिजनेस करते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, करंट अकाउंट हो, करंट नहीं है तो सेविंग हो और आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन उसमें दिख रही हो, और साथ में आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी आपकी ओके हो, और यदि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, जे फॉर्म है या फिर उसकी फर्द है या उसके बिल्स हैं, तो वो आपके पास प्रॉपर हो, ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं तो वीज़ा के चांस हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि यदि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है देन आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।